तो चलिए इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ इस फिल्म के एंड में यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको क्या देखने को मिलता है? तो हमें एंड में देखने को मिलता है कि जो लेक्स लूथर है वो अभी भी जिंदा है, लगा था कि मर गया पर मरा नहीं। इसके अलावा वो जो छोटी सी बिल्ली का बच्चा हमें देखने को मिलता है, जो कि लगा था कि बम फटने की वजह से मर गई होगी, पर वो अभी भी जिंदा है, जो कि हमें लेक्स लूथर के सामने नजर आती है। साथ ही साथ वो जो गिनी पिग है जिसने पूरा तांडव मचाया था, लगा था कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा, अब उसके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से हमें लेक्स लूथर की जो पार्टनर या फिर जो असिस्टेंट होती है वो हमें नजर आती है कि वो उसको बचा लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने उसको क्यों बचाया होगा? मतलब आपके दिमाग में उठ सकता है ना सवाल। तो देखिए यहाँ पर जब जेल में, हाँ जब जेल में वो जाती है यानी कि गिनी पिग यहाँ पर लेक्स लूथर को बचाने जाती है, तो तभी वो जो लड़की है वो उसकी एबिलिटीज को समझ जाती है कि वो कितनी ज़्यादा समझदार और कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितनी इंटेलिजेंट भी है। लेकिन लेक्स लूथर जो है वो यहाँ पर गिनी पिग की पावर्स को नज़रअंदाज कर देता है, उसकी इंटेलिजेंसी को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो असिस्टेंट होती है यहाँ पर पार्टनर, वो इसका फ़ायदा उठाने का ठान लेती है और यहाँ पर वो एंड में जाकर यहाँ पर गिनी पिग की मदद करती है, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि अगर उसको अपना काम निकलवाना है और अगर उसको कुछ करना है तो यहाँ पर उसको गिनी पिग की मदद लेनी ही पड़ेगी। और गिनी पिग काफ़ी ज़्यादा समझदार और काफ़ी ज़्यादा धासु और पावरफुल भी है, तो उसी वजह से वो दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। और हमें अब आगे क्या देखने को मिलेगा वो भी हमें हिंट मिल जाता है, जहाँ पर एक तरफ जस्टिस लीग का खात्मा और दूसरी तरफ लेक्स लूथर को मारना है। अब आगे हमें देखने को मिलेगा इसके अगले पार्ट में कि आगे क्या होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कुछ और डिटेल की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा सोचने दो। हाँ, तो मुझे याद आ गया कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बस हमें इतनी ही डिटेल देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, जो पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ा डिटेल देना तो ज़रूरी है। बाकी आपको ये डिटेल कैसा कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।